अगर इसका बस चले तो ये चुम ले। हेलो गाइस, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम है शुभम आचार्य जी और आप देख रहे हैं शुभम ब्लॉगर के यूट्यूब चैनल। बहुत दिनों के बाद ये नया ब्लॉग अपलोड कर रहा हूँ। पिछले कुछ दिनों से मेरा तबीयत ज्यादा ठीक नहीं था, इसी वजह से कोई नया ब्लॉग शूट ही नहीं कर पाया। तो कोई बात नहीं, आज का ये ब्लॉग काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो ब्लॉग पूरा एंड तक देखिए। ब्लॉग अच्छा लगता है तो एंड में लाइक कीजिएगा। चलिए ब्लॉग में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों, जस्ट मैं अभी नींद से जगा हूँ और लाइट ऑन करके स्तर को थोड़ा ठीक ठाक करके उसके बाद जो है मैं ये ब्लॉग शूट कर रहा हूँ। तो अभी सुबह के 5:30 बज रहा है, मुझे करमगंज में थोड़ा काम से जाना है और भी बहुत कुछ होने वाला है इस ब्लॉग में आके देखने को मिलेगा। आप बाहर जाके देखते हैं, अभी 5:30 बज रहा है तो बाहर का नज़ारा कैसा है। दोस्तों अभी जस्ट मैं बाहर निकला हूँ और यहाँ पर देख सकते हो मैं ग्रिल अभी खोल रहा हूँ। बहुत ठंड है बाहर। हमारे नए डॉगी से मिली, ये नया, इसका नाम है टॉमी। ये नया नया आया है हमारे घर में और बहुत बहुत शैतान है। ये देखो, अगर इसका बस चले तो ये चुम ले गया। यहाँ पर देख सकते हैं क्या कर रही है, क्या कर रही है। यहाँ पर देखिए, आप मुझे कमेंट में बताना कि आपको मेरा नया डॉगी पेट जो है वो कैसा लगा। बाहर का वेदर देख सकते हैं, यहाँ पर थोड़ा थोड़ा फोगी है, थोड़ा थोड़ा नहीं कुछ ज़्यादा ही है। अभी मुझे लगता है कि फोग थोड़ा और भी ज़्यादा बढ़ेगा थोड़ी देर बाद। ये देखिए, ये दूसरा है, इसका नाम जैक है, थोड़ा कुछ ज़्यादा ही छोटा है और बहादुर बहुत है। मुझे करमगंज में जाना है, 8:30 बजे के आसपास जाऊँगा। तो अभी नींद से जगा हूँ तो कम से कम ब्रश तो कर लूँ। यहाँ पर दोस्तों मैं अब किचन में आ गया हूँ और मुझे लगता है कि थोड़ा गर्म पानी करना पड़ेगा क्योंकि मेरे गले में थोड़ा दर्द है और बाहर भी बहुत ज़्यादा ठंड है, तो गर्म पानी तो करना पड़ेगा ही। गर्म पानी तो बैठा दिया, अब थोड़ा ब्रश कर लूँ। अभी अभी 5:45 ही हुआ है और घर के सभी लोग अभी नींद पे हैं, यहाँ सो रहे हैं। अभी तक पहले जगह उसी वजह से मुझे गर्म पानी बैठाना पड़ा। तो यहाँ पर दोस्तों मैं ब्रश करके पानी पी के और अभी अपने रूम में आ चुका हूँ। तो फाइनली दोस्तों मैं यहाँ पर देख सकते हैं करमगंज में आ चुका हूँ। मेरे साथ यहाँ पर अभिजीत, शुभ्रजीत और ये जो है ये आशीष है। आप मेरे पहले ब्लॉग में आप लोगों ने देखा ही होगा। तो बहुत दिनों के बाद हम लोगों ने मुलाकात किया और कॉलेज भी बहुत दिन के बाद घूम लिया क्योंकि कॉलेज में ही आए थे। यहाँ पर थोड़ा बहुत काम था तो काम निपटा लिया और अभी घर में चलते हैं। A few minutes later. तो दोस्तों मैं अब यहाँ पर देख सकते हैं घर में आ चुका हूँ। करमगंज जाते वक्त जो है ब्लॉग शूट नहीं कर पाया क्योंकि क्या हुआ था कि मैं थोड़ा जल्दी में था, इसी वजह से शूट नहीं कर पाया। पर उसके बाद जो है मैं अभी घर में आ चुका हूँ। अभी 2 बज रहा है और मैं नहा धो के पूरा तैयार हो चुका हूँ। किस लिए तैयार हुआ हूँ आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं इस तरह से तैयार हो चुका हूँ। तो मेरे घर के सामने जो कालाचंद मंदिर है तो वहाँ पर मैं जाने वाला हूँ क्योंकि वहाँ पर भैरव पूजा है। जी हाँ, आज भैरव पूजा है। और क्या है कि मैं भैरव पूजा में पिछले काल भी नहीं गया था, कोई मीटिंग वगैरह भी अटेंड नहीं कर पाया, थोड़ा बिजी था और साथ में ये भी था कि मैं अस्वस्थ था इसी वजह से। तो अभी मैं फ्री हो चुका हूँ और अभी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, तो अभी चलते हैं वहाँ पर। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैं आ गया हूँ कालाचंद मंदिर में और यहाँ पर मेरे पीछे लोग देख सकते हैं और साथ में यहाँ पर एक स्टेज भी देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर सुनने को आ रहा है कि रात को प्रोग्राम भी होगा, कुछ गाना वगैरह, नाच गान वगैरह ऐसा कुछ होगा। तो यहाँ पर मैं स्टेज जूम करके दिखा रहा हूँ। हाँ, छोटा मोटा सा है पर सुंदर ही यहाँ पर डेकोरेशन किया गया है स्टेज का। चलिए अभी थोड़ा ऊपर जाके देखते हैं पूजा कैसा चल रहा है, भैरव बाबा कैसे हैं। तो यहाँ पर मंदिर के ऊपर आने के बाद यहाँ पर लोगों का भीड़ देख सकते हैं। अभी अभी जस्ट कुछ कुछ लोग आना स्टार्ट हो गए हैं और यहाँ पर पूजा ख़त्म हो गया ऐसा लग रहा है। और यहाँ पर देख सकते हैं ये रहे भैरव बाबा। तो मैं थोड़ा जूम करके मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर भैरव बाबा का मूर्ति कुछ ऐसा देखने को मिलता है, मूर्ति जो यहाँ पर काफ़ी सुंदर ही देखने को मिलता है। तो अभी कुछ ही देर में ऐसा सुनने को आ रहा है कि यहाँ पर प्रसाद करने चले जाएंगे। तो मैं यहाँ पर मंदिर में थोड़ा बहुत घूम लेता हूँ और यहाँ पर घूमने के बाद बाहर आने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर प्रसाद करना चल रहा है। लोगों का भीड़ देख सकते हैं कितने सारे लोग जो यहाँ पर प्रसाद खाने। तो अभी धीरे धीरे से लोग आना यहाँ पर स्टार्ट हो गया है। तो दोस्तों अभी जस्ट मैं घर में आया हूँ और अभी 4:30 बज रहा है, प्रसाद प्रसाद खाया। अभी क्या करना है कि थोड़ी देर बाद जो है सांस्कृतिक अनुष्ठान जो है वो सब कुछ स्टार्ट होने वाला है, तो वो सब देखने जाऊँगा।
और मैं अपना ड्रेस भी थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। 2 hours later तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, मैं आ गया हूँ कालाचंद मंदिर के सामने और पास ही स्टेज देखने को मिल रहा है। बहुत सारे लोग भी यहाँ पर आ चुके हैं। तो धीरे धीरे से क्या हो रहा है कि लोग आना स्टार्ट हो रहा है। अभी देखिए शाम का 6 बज रहा है, तो मैं अभी इधर आ चुका हूँ और चलिए आगे जाके दिखाता हूँ आपको यहाँ पर कौन कौन है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कौन कौन लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। और ये शुभो, शुभो के पापा दोनों हैं, शुभो है बोल रहे हैं। और ये हमारे सृजन काका जो कि म्यूज़िक सिस्टम ऑपरेट कर रहा है। और यहाँ पर बाकी सभी लोग जो है गांव के सभी लोग जो यहाँ पर आ चुके हैं। धीरे धीरे से और भी लोग आ रहे हैं। तो ऐसा है कि जितना देर जा रहा है उतना देर बार बार जो है लोग आ रहे हैं, सभी जो है यहाँ पर आ रहे हैं। कपिल देख सकते हैं यहाँ पर मोबाइल पे कुछ दिखा रहा है और ये कृपा मोए भी देख सकते हैं कुछ मोबाइल में कुछ देख रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कुटी मामा आज मेरे साथ है क्योंकि कुटी मामा भी इधर आ गया था। जी हाँ, कुटी मामा फिर से हमारे यहाँ पर आया है और इसी टाइम पर पूजा भी है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो कुछ ही देर में प्रोग्राम जो स्टार्ट हो जाएगा। A few minutes later. खुशी रहो, आशीर्वाद।
पागल दिया मिलाई तो मेला बाबा, हरे प्रभु पागल दिया मिलाई तो मेला बाबा, तुम दरबारे सब पागल मेला बाबा, तुम दरबारे सब पागल मेला। पर दोस्तों बस ये आज की इस ब्लॉग में, अभी जस्ट मैं घर में आया हूँ, रात 11:30 बज रहा है, खाना भी खाना इन तो मुझे बहुत आ रहा है, सुबह बहुत ही जल्दी उठ गया था। अभी इस ब्लॉग में इतना ही, ये ब्लॉग देख के कैसा लगा वो आप नीचे कमेंट में बताना, ब्लॉग देख के अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में शेयर कर देना, और इस तरह का ब्लॉग देखने के लिए आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। इसे किसी और एक ने ब्लॉग के साथ मुलाकात करता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड टेक केयर, बाय।